एसीबी प्रद्युमन के एक्टर एक्टिंग से पहले आखिर कौन सा जॉब करते थे? इंस्पेक्टर अभिजीत का रोल प्ले करने वाले एक्टर ने इस सीरीज के अंदर पहले और कौन सा रोल प्ले किया था? कौन कौन से बॉलीवुड सेलिब्रिटीज हैं जो फेमस होने से पहले सीआईडी में भी दिख चुके हैं? सीआईडी ने कौन सा गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड क्रिएट किया था? इस सीरीज की फिल्मिंग कहां कहां और कैसे कैसे होती थी? और आखिर ये सीरीज बंद क्यों हुई? हम में से बहुत सारे लोग के लिए एक वक्त जरूर था जब हम सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन पर सीआईडी के एपिसोड्स के एपिसोड्स के रीरन्स देखा करते थे, और यही उस समय का फैंडम रीजन है कि आज सीआईडी मीम कल्चर का इतना बड़ा हिस्सा है। वेल, आज की इस वीडियो में हम इसी आइकॉनिक सीआईडी टीम के बिहाइंड द सीन फैक्ट्स को जानने वाले हैं। तो फिर देर किस बात की। हे गाइस, मेरा नाम है पंकज सागर और आपका स्वागत है गेमों को हिंदी की एक और फर्स्ट वीडियो में। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। हम सबके फेवरेट सीआईडी टीवी शो को बनाने के लिए आप थैंक यू बोल सकते हैं बीपी सिंह को, जिन्होंने अपने टेलीविजन में करियर की शुरुआत 1973 में एक न्यूज कैमरामैन के रूप में की थी। लेकिन 10 साल बाद वो टीवी शोज में काम करने लगे, और मुंबई आने के बाद उनका एक रियल लाइफ पुलिस इंस्पेक्टर दोस्त बना था, जिसके बाद वो उसके कई सारे क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन को भी काफी करीब से जानने लगे। जिसके बाद 1988 में वो लेकर आए 100 नाम का एक मराठी टेलीविजन शो, जिसके अंदर ही एसीबी प्रद्युमन के एक्टर यानी शिवाजी साटम इंस्पेक्टर श्रीकांत पाटकर के रूप में देखने को मिले थे। इवेंचुअली जब इंडिया में केबल टेलीविजन की शुरुआत हुई, सुपर नेचुरल मिस्ट्री हॉरर थ्रिलर शो आहट काफी ज्यादा पॉपुलर हुआ था, और इसी चीज ने बीपी सिंह को अपना खुद का एक नया टेलीविजन शो क्रिएट करने का इंस्पिरेशन दिया। और अगर आपको भी बीपी सिंह जी का चेहरा कुछ जाना पहचाना सा लगता है, तो उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि वो इस टेलीविजन शो के अंदर कई बार डीसीपी चित्रोली के रूप में भी देखने को मिले हैं। अब वैसे तो सीआईडी टेलीविजन शो को सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन पर आने के लिए 1998 तक का वक्त लग गया था, लेकिन उससे भी ज्यादा हैरानी की बात तो ये है कि सीरीज का सबसे पहला एपिसोड उससे भी कहीं पहले यानी 1992 में ही शूट कर लिया गया था, और इसके ठीक 5 साल बाद इसे एयर होने का मौका मिला। मूवी इंडस्ट्री में कई बार ऐसा दिखाया जाता है कि बहुत सारे लोगों को कई बार बहुत ही कम उम्र में सक्सेस मिल जाती है, लेकिन इसका उल्टा भी होता है और इसके बहुत कम एग्जांपल्स हैं, और उसमें से वन ऑफ द बिगेस्ट एग्जांपल हैं एसीपी प्रद्युमन का रोल प्ले करने वाले शिवाजी साटम, जिन्हें आप न जानते हो कि उन्होंने अपनी कॉलेज ग्रेजुएशन एक्चुअली केमिस्ट्री के साथ की थी, और आगे जाकर उन्होंने बिजनेस मैनेजमेंट और बैंकिंग मैनेजमेंट डिप्लोमा भी लिया। साथ ही साथ एसीपी प्रद्युमन बनने से पहले वो 20 सालों तक सेंट्रल बैंक में कैशियर की नौकरी कर चुके थे, लेकिन साइड में उन्हें थिएटर और एक्टिंग का भी काफी शौक था, जिसके कारण एक थिएटर एक्ट के दौरान उनकी मुलाकात रामायण सीरीज में राजा दशरथ का रोल प्ले करने वाले मराठी एक्टर बाल धुरी से हुई, जिन्होंने उन्हें 1988 के पेस्तोंजी राम की मूवी के अंदर डॉक्टर का रोल दिलवाया था। और लकीली इसी साल उनकी मुलाकात 100 के लिए बीपी सिंह से हुई। लेकिन जब इस शो की पुरानी बातों को याद किया ही जा रहा है, तो जो डाई हार्ट सीआईडी फैंस होंगे वो ये बात जानते होंगे कि अभिजीत का कैरेक्टर प्ले करने वाले आदित्य श्रीवास्तव एक्चुअली सीआईडी के अंदर अभिजीत से पहले भी एक कैरेक्टर के अंदर दिख चुके हैं, जहां पर पुराने टाइम्स में उन्होंने क्रिमिनल प्रकाश का रोल प्ले किया था, जिसकी एक्चुअली अपनी फैमिली को भी इस सीरीज के अंदर दिखाया गया था, और इस एपिसोड का नाम सीआईडी द केस ऑफ स्टोलन गन है। फाइनली यहां आदित्य श्रीवास्तव को सीजन 1 के एपिसोड 73 यानी द केस ऑफ डिफ्यूज डायनामाइट के अंदर इंस्पेक्टर अभिजीत के रूप में इंट्रोड्यूस किया गया। अब जब बात अभिजीत की होगी तो उसके बेस्ट फ्रेंड दया की बात कैसे नहीं होगी, लेकिन यहाँ पर सबसे पहला और सबसे बड़ा फैक्ट यही है कि दया का रोल प्ले करने वाले एक्टर का नाम ही असल में दयानंद शेट्टी है, जो मूवी इंडस्ट्री के अंदर आने से पहले एक स्पोर्ट्समैन थे, लेकिन अपने एक लेग इंजरी के चलते उन्होंने अपने दूसरे पैशन यानी एक्टिंग को परस्यू किया, और 1996 में दिल जले मूवी के अंदर एक छोटे से रोल से अपने एक्टिंग की शुरुआत की थी, जिसके बाद सीधे 1998 से उन्होंने सीआईडी में मेजरली काम किया। अब आप में से बहुत कम लोग बात शायद जानते होंगे कि दया का रोल प्ले करने वाले दयानंद शेट्टी अपने कैरेक्टर के स्टंट्स को खुद ही परफॉर्म करते थे, जिसके कारण इसके चलते भी उन्हें कई बार इंजरीज हुई हैं। अब वैसे तो बहुत सारे वेल एस्टैब्लिश एक्टर और एक्ट्रेसेस का कैमियो इस सीरीज के अंदर हमें देखने को मिला है, बट आप में से बहुत कम लोग ये बात जानते होंगे कि बहुत सारे ऐसे भी एक्टर्स हैं जिन्होंने अपने स्टारडम से पहले इस टीवी शो के अंदर भी काम किया था, और उनमें से दो सबसे इम्पोर्टेंट हैं मशहूर फिल्म डायरेक्टर आशुतोष गोवारिकर, जो बेसिकली 90s के जमाने में ऑलरेडी एक टीवी एक्टर भी रह चुके थे। वहीं पर सरप्राइजिंगली यामी गौतम ने भी अपनी ऑफिशियल मूवी करियर की शुरुआत से पहले एक छोटा सा रोल प्ले किया था। अब आप में से बहुत सारे लोग ये बात शायद ना जानते हो कि एक्टिंग के साथ साथ ये एक्टर्स और भी बहुत सारी चीजों में माहिर हैं,
जहां पर ईसीपी प्रद्युमन का रोल पे करने वाले शिवाजी साटम, दया के दयानंद शेट्टी और अभिजीत के आनंद श्रीवास्तव अपने आप में काफी अच्छे सिंगर्स भी हैं, जिन्होंने इस सीरीज के लिए कुछ एपिसोड्स में अपनी सिंगिंग आवाज भी दी है। इस सीरीज ने एक और कीर्तिमान बहुत ही पहले स्थापित किया था, जो शायद उस जमाने में कोई और इंडियन टेलीविजन शो कर रहा होगा। और एक्चुअली सीआईडी का नाम द लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी है, जहां पर 7 नवंबर 2004 को इस सीरीज के एक एपिसोड को 111 मिनट जो कि 1 घंटे 51 मिनट के आसपास है शूट किया गया, जिसका नाम द इनहेरिटेंस था। बट सबसे औसम बात इस एपिसोड की ये थी कि इस पूरे के पूरे एपिसोड को सिर्फ और सिर्फ एक ही सिंगल टेक के अंदर शूट किया गया था, और ऐसा करने वाली ये पहली इंडियन प्रोडक्शन बनी थी। अब बात करेंगे इस सीरीज के फिल्मिंग की, तो नॉर्मली तो इसके एपिसोड्स की शूटिंग मुंबई के अंदर ही हुई है, जहां पर एक फिल्म सिटी के अंदर एक पूरा का पूरा सीआईडी के हेडक्वार्टर्स और उसके लैब का सेट बनाया गया है, और वहीं पर आउटडोर शूटिंग्स के लिए कई सारे रियल लोकेशंस का इस्तेमाल किया जाता था, जिसमें से प्राइमरली अबैंडन्ड बिल्डिंग्स और कंस्ट्रक्शन साइट्स का इस्तेमाल होता था। साथ ही साथ थ्रू आउट द इंडिया भी कई सारे आउटडोर लोकेशंस का इस्तेमाल किया गया है, और इन सब के ऊपर कई सारे इंटरनेशनल स्पेशल एपिसोड्स भी थे, जिनमें से उज्बेकिस्तान, पेरिस, स्विट्जरलैंड, बर्न, ज्यूरिख और ऐसे कई सारे लोकेशंस में भी शूट किया गया था। खैर, सीआईडी वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रनिंग टेलीविजन शो क्यों है, उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि 21 जनवरी 1998 को रिलीज होने के बाद 27 अक्टूबर 2018 तक इसके तकरीबन 1547 एपिसोड्स रिलीज किए जा चुके थे, जिसमें एपिसोड नंबर 1 से लेके 404 तक यहाँ पर 20 मिनट स्लॉट पर इन एपिसोड्स को दिखाया जाता था, और 405 से लेकर 1547 तक इन्हें 43 मिनट के स्लॉट में दिखाया जाता था। अब इतने लंबे समय तक काम करने के बाद इन एक्टर्स को आखिर मिला क्या? वेल, इतना मेहनत करने के बाद इन एक्टर्स की सैलरी भी काफी अच्छी खासी रही है, जहां पर सीरीज की पॉपुलैरिटी के बढ़ने के बाद ऑन द एवरेज एसीपी प्रद्युमन का रोल प्ले करने वाली मेन लीड शिवाजी साटम को तकरीबन 1 लाख पर एपिसोड दिए जाते थे। वहीं पर दया और अभिजीत का रोल प्ले करने वाले एक्टर्स को तकरीबन 80,000 से 1 लाख पर एपिसोड दिए जाते थे। वहीं पर उनके नीचे फ्रेडी, प्रोफेसर सालुनके, ताड़िका, विवेक और बाकी दूसरे एक्टर्स और एक्ट्रेसेस को सिर्फ और सिर्फ 40,000 दिए जाते थे। इस शो के फैंस के बीच में बहादुरी की भावना को और भी ज्यादा बढ़ाने के लिए 2010 में सीआईडी गैलेंट्री अवार्ड्स को इंट्रोड्यूस किया गया था, जिसमें बेसिकली रियल लाइफ के हीरोज को एक्चुअली उनके काम के लिए सम्मान किया जाता था। बात करें अगर सीआईडी के अलग अलग वर्जन्स की, तो सीआईडी को तेलुगु और तमिल के अंदर भी डब किया गया था। वहीं पर बंगाली के अंदर इसका अलग स्पिन ऑफ टीवी शो ही बनाया गया था, जहां पर सीआईडी कोलकाता ब्यूरो को सोनी अर्थ पर रिलीज किया गया था, जहां पर इसके 2012 से लेकर 2014 तक 135 एपिसोड रिलीज किए गए थे। इतना ही नहीं, सीआईडी पाकिस्तान में अपना टीवी और जियो कहानी पर भी दिखाई जाती थी। वहीं पर अगर बात करें अवार्ड्स की, तो साल 2002 से लेकर साल 2013 तक इस सीरीज को न्यूमरस अवार्ड्स के लिए इंडियन टेली अवार्ड्स में चुना जाता था, जहां पर इसे 2004 से लेकर 2013 तक बेस्ट थ्रिलर प्रोग्राम और बेस्ट वीकली सीरियल के कई सारे अवार्ड्स मिले हैं। वहीं पर इंडियन टेलीविजन एकेडमी अवार्ड के अंदर ये साल 2000 से लेकर साल 2009 तक नॉमिनेट हुई थी, वो भी 6 बार, और यहाँ पर मोस्टली इसे बेस्ट थ्रिलर / हॉरर सीरियल, बेस्ट सीरियल ड्रामा, बेस्ट टेलीप्ले और बेस्ट वीडियोग्राफी के लिए भी नॉमिनेट किया गया था। अब बात करते हैं कि आखिर इस टीवी शो को कैंसिल किया गया तो किया क्यों गया? वेल, इतने लंबे समय से चलने के बाद 27 अक्टूबर 2018 को इस सीरीज के लास्ट एपिसोड को ड्रॉप किया गया, जहां पर इस शो के कैंसिल होने की रूमर्स बहुत ही लंबे समय से चल रहे थे। वहीं दूसरी ओर कुछ रूमर रिपोर्ट ऐसे भी आ रहे थे जहां पर पूरे के पूरे सीआईडी शो को एक बार फिर से रीबूट किया जाना था। अल्टीमेटली एक्टर दयानंद शेट्टी ने इस बात को कंफर्म किया कि 2018 के बाद इस शो का वापस आ पाना बहुत मुश्किल है और मोस्ट प्रोबेबली ये शो खत्म होने वाला है, और वैसा ही हुआ। अपने एक इंटरव्यू में शिवाजी साटम ने इस बात को एक्सप्लेन किया कि उनके शो को बार बार लेट नाइट स्लॉट्स पर घिसकाया जा रहा था। कास्ट और क्रू को ऐसा महसूस होने लगा कि अब शो की जरूरत लोगों को नहीं है, और वो अनवांटेड फील कर रहे थे। अगर आप नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं कि रात के 10 बजे के बाद ऑडियंस की वॉचिंग टीवी पर काफी कम हो जाती है और लोग सोने चले जाते हैं, इसलिए टीवी इंडस्ट्री के अंदर रात के 9 बजे को प्राइम टाइम माना जाता है, जहां पर लोग या तो जगे हुए होते हैं या अपना डिनर कर रहे होते हैं,
और ऐसे में लोग टीवी जरूर देख रहे होते हैं। इस शो को लेट नाइट में घिसकाना ही एक बहुत बड़ा इंडिकेशन था कि लोग इस पर अब कम ध्यान दे रहे हैं, जिसके कारण इस शो को बंद करना पड़ा। सो गाइज, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद जरूर आई होगी, और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। कमेंट्स में आप बताइए कि आप सीआईडी टेलीविजन शो के बारे में और क्या क्या जानते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मैं जल्द ही आपको एक नई वीडियो में देखने को मिलूंगा, तब तक आप हमारी इन वीडियोस को एंजॉय कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।